हेलो हेलो हाय हेलो गाइस, दिस इज पलक। अभी हम लोग जा रहे हैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन एडवेंचर करने, कुछ रॉक क्लाइंबिंग करने। सो एक्साइटेड है। तो अभी हम लोग आए दुर्गा भाई साउथ कैंपस में। यहाँ से हम ऑटो लेंगे और फिर खाना खाएंगे। हाँ, पहले हम कुछ खाएंगे खाना, उसके बाद खा पी के फिर हम ऑटो लेंगे और हम इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन पहुँच जाएंगे। वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है। मे बी 300 रुपीज़ का टिकट है और फिर करते हैं रॉक क्लाइंबिंग। वहाँ की टिकट की इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके देंगे। हाँ, चलो बाय। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। हम पहुँच चुके हैं। हमने वहाँ से ऑटो किया। ऑटो करने के बाद उसने 50 रुपए लिए और उसने हमें यहाँ पे पहुँचा दिया है। चलो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं अभी हमें एंट्री मिलती है या नहीं। काफ़ी लेट हो चुके हैं हम और पता नहीं क्लाइंबिंग कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। छोले कुलचे, पराठे, ऑमलेट। पराठे नहीं खाए बोलने देना, कंटेंट नहीं है। हर चीज़ सच थोड़ी बोलनी होती है। देखते हैं वो हमें एंट्री मिलती है या नहीं, पता नहीं चालू है या नहीं, लेट्स सी। तो एक्साइटेड तो है रॉक क्लाइंबिंग के लिए। मुझे पता है फीलिंग आ रही है ऐसी कि कटने वाला है हमारा। मैं भी यहीं से बाहर भगा दिया। अब लेट हो। हाँ, बहुत लेट हो। अच्छा, इधर अंदर जाना होगा ना। हाँ, ये तो रिसोर्ट नहीं, इधर इधर छोटा गेट। चलो। हाँ, अभी एंट्री है ना, ट्रेनर है ना, सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। आप आ जाइए, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। इधर हम लोग एंट्री कर रहे हैं, गेट एंट्री। कैसे लग रहा है प्रियंका तुम्हें? मैं एक्साइटेड हूँ, पता नहीं मैं लेवल 1 में क्लियर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। गुड गुड। और आपको? बहुत एक्साइटमेंट। ये ब्लूपर देना। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है यार, अंदर जाके देखते हैं कैसा होगा। होप फॉर द बेस्ट। ये लोग तो हैं भाई। जैकेट उतारनी पड़ेगी, हम तो ना कर पाएंगे। जैकेट तो उतारनी पड़ेगी यार। तो अभी हम लोगों ने एंट्री कर दी है, गेट एंट्री। उसके बाद अब जाते हैं, टिकट वगैरह देखते हैं। एंट्री तो हमें मिल चुकी है, 1 बजे तक हमारा बैच है। देखते हैं क्या कर पाते हैं। हाँ, उसमें ऐसे आ रहा है। तो हमें ये सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है, ये हमें चढ़ना है। पता नहीं हम चढ़ पाएंगे या नहीं। लोग तो दिख रहे हैं यहाँ पे करते हुए। ये हमारा ऑफिस है, हमारा सॉरी हमारा नहीं, कोविड गाइडलाइंस। मतलब सामने एंट्री हो रही है, लेट्स सी क्या होता है। पहाड़ तो यार काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये पता है जो सामने दिख रहा है, ये लेवल 2 का है। हाँ, बिगिनर का उधर है। गिर जाएंगे। पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या फ्री? पेटीएम हो जाएगा। हाँ, वही कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसमें एंट्री कर देना। नहीं, चालू हो गया। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। हमारा ये एंट्री बूथ है,
जो कि देख नहीं रहा क्योंकि मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा। अभी हमने अभी हमने एंट्री कर दी है। 300 रुपीज़ पर पर्सन है। अभी हम रॉक क्लाइंबिंग करने वाले हैं, देखते हैं कर पाते या नहीं। थोड़ा चेंज वेंज कर, एक्साइटेड तो है, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर रिसेप्शन डेस्क तो है पर कोई है नहीं। वॉशरूम हमें मिल नहीं रहा है, शायद हमें किसी कोपचे में चेंज करने होंगे, पर मिल चुका है। लेडीज वॉशरूम, अंदर नहीं जाओगे तुम लोग। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। यहाँ पे हमने टिकट ले लिया है जो कि 300 रुपीज़ एंट्री है, जो कि 4 लेवल्स हैं यहाँ पर, है ना। होप सो हम कंप्लीट कर पाए, 4 तो नहीं पर हाँ 2 या 3 तो हम कर ही लेंगे। देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक हम पहुँचते हैं। अभी जा रहे हैं हम क्लाइंबिंग करने, पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा। हाँ पर पहाड़ तोड़ने ही जा रहे हैं, तोड़ेंगे तो नहीं पर हाँ जा ही रहे, देखते हैं। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग आए हुए हैं। बाइक वाइक कहाँ रखना है देखते हैं। आई थिंक वो बिगिनर का है। इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं? जहाँ वो बंदा था उधर जाते हैं, उधर से उधर जाएंगे। मेरे तो नी में दर्द होने लगा यार, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत फील वाला है ऐसे। फर्स्ट है उधर, ये लेवल 2 है। हाँ ब्लू वाला था लेवल 1। अरे तो बच्चे का अरे ये तो सच में छोटा है ऊपर भी, ये तो सच में छोटा है, ये तो हो जाएगा। पता है ये जो इंक्लाइंड हो रहा है ना, वहाँ से दिक्कत आती है। ऑल द बेस्ट विजय। अरे तू लोग नहीं जा रही है? तू जा रही है यार पहले। ठीक है ढीला हो गया, ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है मुझे तो। याद है ना क्लाइम ऑन बोले जब भी चढ़ना है। हाँ यार पहले इसको टाइट तो कर यार। और आगे का मैं तो इसे हार्नेस ही लगा पा रही है विजय। हमसे पहले सब चले जाएंगे, हम हारने से लगाते हुए रह जाएंगे। तो वही नहीं पहना यार। वो देखो फ्रूट लगे हुए हैं यार उसपे। इसे भूख लग रही है तो फ्रूट देख रही है। ध्यान से देखो इस लड़की को, वो देखो फ्रूट। ऑल द बेस्ट विजय, ऑल द बेस्ट विजय। इसकी वीडियो ऊपर फ्रूट दिख रहे हैं क्या? तुमने बड़ा सही किया यार सच में। कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या क्या था उन लोगों?
पट्टी तो इजी है नहीं वहाँ पट्टी सबसे टॉप पे क्योंकि वहाँ बहुत इंक्लाइंड है तो वहाँ ग्रिप बनाना बहुत मुश्किल है तो ऊपर जाना मैं कर दूँगी आराम से कर ले गया मैंने किया हुआ इसलिए मुझे इतना डर नहीं है किया था माउंटेन क्लाइंबिंग वहाँ असली पहाड़ पे ओहो एक्सपीरियंस बंदी आई है हमारे साथ नैनीताल भीमताल सात ताल अच्छा एक्सपीरियंस बंदी आई है हमारे साथ दौड़ ले जी इसको सच में दौड़ चलना पड़ता हूँ देखा तुमने बनाई तुम भी थोड़ा कौन ये बना जल्दी कर गुड 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 कैसा लग रहा है पलक तुम्हें बहुत अच्छा यार जंग जीत ली कोई एक नए एक्साइटमेंट बोरिंग जिंदगी से सच में ऊपर पहुंच कर हाथ से एक मारी टांगे चलो रेडी हो जाओ मैडम पर मजा आया ट्राई करना चाहिए ऑल गुड डर क्यों रही है चल हाँ मास उतार दे एयरबैंड भी उतार दे एयरबैंड भी उतार दे चलो चलो प्रियंका शाबाश सही कर रहे हो ये रख इसे हाथ कर ऊपर येलो येलो वाले पे येलो वाला पकड़ जल्दी पकड़ हाथ छोड़ेगी तो छूटेगा रख ऊपर ऊपर ठीक है आराम से गुड गुड अच्छा कितना उम्मीद से ज्यादा कोई नहीं सुपर डर लग रहा था ये हमारा फर्स्ट लेवल है फॉर क्लाइंबिंग इसमें भी तीन पार्ट है राइट मोस्ट ये लेवल बिगिनर है मिडिल वाला फॉर इंटरमीडिएट और थर्ड वाला एडवांस अभी हमने बिगिनर लेवल किया है पूरा कंप्लीट तो किया नहीं वहाँ पर मैंने कर दिया था फर्स्ट बार में पूरा सेकंड बार में तो फट गई थी तो अभी हमने कर लिया है लेवल वन कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट हाँ हम दोनों ने कंप्लीट कर दिया ये इन मैडम ने नहीं किया है हाफ वे अभी हम लेवल टू करेंगे होप सो वो हो जाए पर उम्मीद नहीं है कि हमसे कंप्लीट हो पाएगा पर हाँ ट्राई करेंगे देखते हैं क्या होता है मैं बंद करके जाऊँगी लगा कैसे तुम्हारा क्लाइंबिंग करके बहुत मज़ा आया आंधी के बाद ऐसे लग रहा था मैं गिरने वाली सही सर और फट भी तो रही होगी बहुत गिरने वाली फट रही है और तुम्हें कैसे लग रहा था तुमने फोटो लगा ली तो बहुत एक्साइटमेंट मजा आया मुझे को तो फ्रूट दिख रहा था और इसे कोरियन दिख रहा था जब भी नहीं जा पाई और चीज़ केक खाना होता है इसे चलो सही है अभी हम लेवल टू करते हैं देखते हैं पता नहीं हो पाएगा या नहीं पर हाँ ट्राई करेंगे लेवल वन में ही लेवल टू करेंगे ये लेवल वन में ही पार्ट टू करेगी आज हम ग्रीन बोर्ड तक ही रह जाएंगे ये ब्लू बोर्ड तक ही रह जाएंगे लेकिन हम लेवल टू भी करेंगे देखेंगे कर पाएंगे नहीं ये अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रहती है बस और कुछ काम नहीं है इसे क्लाइम ब्रेकअप हो गए वो अवेलेबल है चलो ये अवेलेबल है कमेंट में पिंक कर दो अपने जो भी से डेट करना चाहता है हाँ थोड़ा और कर दो चलो बाय YouTube
चलो 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 कैसे किया ये वाला कैसा था? ये अच्छा था, मुझे पता है इससे सिंपल थोड़ा ये लगा, उससे सिंपल है मुझे लगा, फिर वो लेवल वन क्यों है? वो इंक्लाइन के टाइम ना हालत खराब हो जाती है, थोड़ा स्ट्रेट है और ये सही था, पर पैरों ने जवाब दे दिया। ये है पार्ट टू क्लाइंबिंग का, इसमें भी तीन पार्ट है, 1, 2, 3 100 डिग्री पे। और ये है लेवल 3 रॉक क्लाइंबिंग का, इसमें थोड़े और दूर है, काफी दूर और काफी ऊपर तक। ये है लेवल 4 ये कुछ ज़्यादा टफ है प्रोफेशनल लोगों के लिए। ये दोनों यहाँ पर बकचोदी कर रहे हैं, क्लाइंबिंग वगैरह की नहीं दोनों ने, यहाँ पे आके टाइम पास कर रहे हैं। स्टार्ट हो जाओ विजय, अपनी विजय रथ कर, कम ऑन प्रियंका, बकचोदी स्टार्ट करो, मोटापा को पतले होने में कन्वर्ट करो। एक उम्मीद नहीं थी यार तुझसे, स्किपिंग ये पहले करती थी, मुझसे नहीं होती 10 से ज्यादा, मैं 7 कर देती। ओहो हो, क्लाइंबिंग में तो तुम्हारी 2 कदम से ऊपर नहीं, कूदने में तो परफेक्ट हो। चलो हमारी क्लाइंबिंग हो चुकी है, फाइनली हमने क्लाइंबिंग कर ली है लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 3 तो हमारे लेवल का था ही नहीं। कैसा लगा तुम्हें कर? मुझे डर लगा, मेरा वेट ज़्यादा है इसलिए मैं खुद को ऊपर खींच नहीं सकती थी। ठीक है, जो पतले हैं वो कर सकते हैं आसानी से। मैंने लेवल 2 कर दिया था आधे के बाद, तो भाई पूरे पंप हो गए थे हाथ। और विजय तुम्हें कैसा लगा? ये हमारी वजह है, बस सेकंड लेवल पे थोड़ा डर लगा, बट हाँ ऑल तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फिर से एवरीवन शुड ट्राई। हाँ जरूर, हाँ मैं भी कहती हूँ एक बार तो आके ट्राई करना चाहिए 300 रुपये में। कंप्लीट कर लिया, एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, मज़ा भी आया, थोड़ी फटी भी लेकिन मज़ा आया। अभी नेक्स्ट टाइम फिर से आके ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग के टोटल 4 लेवल हैं, फर्स्ट और सेकंड बिगिनर्स के लिए कह सकते हो। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा, सेकंड आधा हो पाया क्योंकि हाथ पंप कर गए थे, थर्ड और फोर्थ तो ट्राई भी नहीं किया, पर फर्स्ट सेकेंड अच्छा था, ट्राई कर सकते हो, एक्सपीरियंस भी अच्छा था। उसके बाद फिर हमने स्लैक क्लाइंबिंग की, वो भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन सेंस आप अगर 300 रुपीज़ दोगे रॉक क्लाइंबिंग के तो साथ में वो है, और एक दो एक्टिविटीज़ भी हैं रैपलिंग वगैरह, वो भी कर सकते हो।
तो टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा था, मज़ा भी आया। इंस्ट्रक्टर थे वो काफ़ी अच्छे थे, सपोर्ट किया। और जब भी आप चढ़ते हो वहाँ पे तो आपको दो चीज़ें बोलनी होती है, जैसे आप चढ़ रहे हो तो आपको बोलना है आई एम क्लाइमिंग, और जैसे आप डाउन आने वाले हो तो बोलना है क्लाइम डाउन। जैसे वो हारने से उससे उन्हें पता चल जाता है कब लूज करना है कब हार्ड करना है। तो सही है, एक्सपीरियंस अच्छा था, मज़ा आया काफ़ी। फिर से आऊँगी ट्राई करने, क्योंकि लेवल 2 क्लियर करना है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग भी आए और मज़े करें। तो कैसा था एक्सपीरियंस गाइस? बहुत अच्छा था। मैं क्लाइम डाउन करना बोलना भूल गई थी, मुझे मम्मी याद आ रही थी। और तुम्हारा? मेरा तो बहुत अच्छा, बहुत मजे आया। हाँ तो सजेस्ट करोगे लोगों को आने के लिए? एक बार तो लाइफ में ट्राई करना, ट्राई करना जरूरी है। और इतना कॉस्टली भी नहीं है कि आप नहीं आ सकते हो। जैसे इंसान ने कर लिया तो पूरी दुनिया कर सकती है। और इतना कॉस्टली भी नहीं कि आप नहीं आ सकते, सिर्फ 300 रुपये, जबकि आराम से आप आ सकते हो, ज़्यादा दूर भी नहीं है। साउथ कैंपस पे आपको मेट्रो स्टेशन पे उतरना है, वहाँ से आना है, 20 रुपये में ऑटो मिल जाएगा आपको, या फिर आप वॉकिंग डिस्टेंस से भी आ सकते हो, तो पास में ही है। तो आप आइए ज़रूर और क्लाइम करिए, मज़े करिए। दिल्ली के लिए बहुत अच्छी जगह है क्लाइंबिंग करने के लिए, मतलब वीकेंड आप यहाँ पे निकाल सकते हो, दिन भर भी आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, इतना वो नहीं है। चलो ठीक है, बाय गाइस, सब मिलते हैं अगले एडवेंचर पे, तब तक के लिए बाय। एक अच्छा सा पोज दे दो में। देखो गाइस यहाँ आके ये यहाँ पे फोटो जरूर खिंचवा, मेरे जैसे पगले की तरह। यार रुको पकड़, मैं अपना मास्क भूला, मैं लेके आ गई। तो यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा था, मीन्स पीस तो काफ़ी है यहाँ पे, आप आके एंजॉय कर सकते हो, ज़्यादा सुकून वाला टाइम आप यहाँ पे निकाल सकते हो, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो, फैमिली के साथ, कपल के साथ, ऑफिस ग्रुप के साथ, मतलब आ सकते हो, एडवेंचरस भी है, सुकून भी है, सब कुछ है यहाँ पे, तो आके बहुत एंजॉय कर सकते हो। और अगर हमारी पागलपंती अच्छी लगी हो हाँ तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, बिल्कुल ना भूलें। विजय बॉयफ्रेंड है उसका, पता चल गया मुझे। चलो बाय गाइस, बाय, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, टाटा। अगर ये